आज हम पढ़ेंगे क्लास एक्सटेंसिव फॉर्म गेम। और एक्सटेंसिव गेम कौन सी गेम होती है आपको बताते हैं कि एक्सटेंसिव गेम वो गेम होती है जहां पर कि दो से ज़्यादा प्लेयर हो सकते हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी डिपेंड करती है कि फर्स्ट प्लेयर क्या चाल चलता है। फर्स्ट प्लेयर चाल चलता है उसके पास भी एक अपनी दो स्ट्रेटजी होती है। जब वो फर्स्ट प्लेयर चाल चलता है तो सेकंड प्लेयर भी अपनी चाल चलता है, लेकिन सेकंड प्लेयर मूव करता है फर्स्ट प्लेयर की स्ट्रेटजी को देख करके। तो यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि देयर इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। लेकिन देखो बेसिकली डायनेमिक गेम में हम दो तरह की गेम पढ़ते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सीधे उसको गिवन होता है। और जहाँ पर हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे वहाँ पर हम होता है कि उसका पे ऑफ नहीं पता होता, उसकी स्ट्रेटजी नहीं पता होती, वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम काम करते हैं। लेकिन जब फर्स्ट प्लेयर एक्शन लेता है तो सेकंड प्लेयर क्या एक्शन लेता है। तो क्लास अगर इसको हम एक डायग्राम में या इसको अगर टेबल फॉर्म में दिखाते हैं तो यह है एक डायनेमिक गेम हो जाती है। इसे हम एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंस करता है, फर्स्ट प्लेयर की अपनी स्ट्रेटजी दे करके सेकंड प्लेयर अपनी चाल को चलता है। इसको अगर हम स्टैटिक गेम की तरह लेते हैं, लेकिन उसको हम स्टैटिक गेम क्या होता है कि साइमल्टेनियस चलना पड़ता है, एक साथ डिसीजन लेना पड़ता है। आपने प्रिजनर डिलेमा में देखा कि दो प्लेयर होते हैं वहाँ पर और दोनों को एक साथ डिसीजन लेना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ फर्स्ट प्लेयर के एक्शन लेकर सेकंड प्लेयर क्या एक्शन लेता है, दैट बी केस कॉल्ड एक्सटेंसिव गेम। एग्जाम्पल के तौर पर हम चलते हैं क्लास, सपोज दैट एक प्लेयर है, ठीक है, सपोज दैट एक प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर ए है, ठीक है। तो ए प्लेयर के पास इंफॉर्मेशन सेट है, एक प्लेयर के पास है, सो एक प्लेयर का डिसीजन है, जैसे आपकी बुक्स लेते हैं डिसीजन नोट फॉर फर्स्ट प्लेयर, ए प्लेयर का जो डिसीजन है वो ये है, मान चलो कि वो लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा, कुछ भी ले सकते हैं, या उसके पास लेफ्ट स्ट्रेटजी है या राइट स्ट्रेटजी है, या यल का मतलब कुछ ही मान लो आप, दो उसकी स्ट्रेटजी है। तो इस यल और आर की स्ट्रेटजी को देख करके अब यहाँ पर क्या हुआ, प्लस फर्स्ट ए का क्या हुआ, फर्स्ट ए का मतलब हुआ यहाँ पर हुआ कि डिसीजन नोड, इसको बोलते हैं नोड, इसको क्या बोलते हैं क्लास, नोड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिसीजन, ठीक है, डिसीजन नोड, ठीक है, किसका प्लेयर का, प्लेयर वन, ठीक है, प्लेयर वन का, प्लेयर ए का, ये डिसीजन नोड्स है, ठीक है। अब इस डिसीजन का नोड को क्या बोलते हैं, यल और आर, ध्यान समझना, एक एक बात समझना क्लास। अब इसके पास दो स्ट्रेटजी है, लेकिन अब इस स्ट्रेटजी को देख करके हम कह सकते हैं कि जो सेकंड प्लेयर है, सेकंड प्लेयर है या सेकंड प्लेयर है, सेकंड प्लेयर क्या सोचेगा। मान चलो एक एग्जांपल ऐसा समझ लेते हैं क्लास कि ए पर्सन जो है, ए है वो मोनोपलिस्ट है, मान चलो यह एक मार्केट में मोनोपलिस्ट है, ओके। और दूसरा जो है सेकंड फर्म है उसको मानते हैं हम, ये जो सेकंड है प्लेयर सेकंड है वो न्यू फर्म है, आपको समझाते हैं, न्यू फर्म है, तो न्यू फर्म मार्केट में उसको हम यन मान लेते हैं, ठीक है। अब ए फर्म मोनोपोलिस्ट फर्म अपनी यल और आर दो स्ट्रेटजी है, यल का मतलब कह सकते हैं कि प्राइस को बढ़ाना, प्राइस को घटाना। अगर मैं मान चलूँ कि ए पर्सन के पास दो स्ट्रेटजी है, यल का मतलब होता है प्राइस को मान चलो इंक्रीज करेगा, और आर का मतलब हो गया मान चलो प्लस प्राइस को डिक्रीज करेगा, ओके। एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पर देखना क्या है, हमें देखना ये क्लास कि अगर वो फर्म ए यल और आर अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो फर्म न्यू फर्म क्या स्टेप लेगी, वो मार्केट में क्या करेगी, वो इंट्री करेगी कि नहीं करेगी, अगर इंट्री भी करती है तो क्या करेगी वो। तो इसके सामने भी इसका अपना कुछ नोट्स होगा। तो प्लेयर टू का डिसीजन क्या होगा, प्लेयर टू का डिसीजन होगा कि ये मार्केट में इंट्री करे कि ना करे, मान चलो इसका सामने लेते हैं। अब ये दो करेगा क्लास, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि अगर फर्म ए
फर्म ए अपने प्राइस को इंक्रीज़ करती है तो दूसरी फर्म जो न्यू फर्म है वो मार्केट में इंट्री करे कि एग्जिट करे या ना करे, तो आउट स्टे आउट, ठीक है, स्टे आउट करे या इंट्री करे, या करे इंट्री करे, उसके सामने दो सिचुएशन है। ओके, तो इंट्री करे या एग्जिट करे, ठीक है। अगर वो इंट्री करती है क्लास, कुछ भी ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इंट्री करती है या एग्जिट करती है, तो मान चलो हमारा पे ऑफ गिवन है 3 और 1, 3 और 1, 1 एंड 3। ओके, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर गेम फिनिश हो जाएगी क्लास। ओके, लेकिन हमें आपको समझाना क्या है कि अब ये जो है 2, ये किसका नोड है, इसको बोलते हैं डिसीजन नोड ऑफ सेकंड प्लेयर। क्या लिखेंगे, ठीक है, डिसीजन, ठीक है, नोड ऑफ सेकंड प्लेयर, ठीक है, यानी कि न्यू प्लेयर का डिसीजन नोड सही कि वो एंट्री करे कि एग्जिट करे। लेकिन उसके सामने दो सिचुएशन है क्लास, अगर वो यल चलता है तो उसके इंट्री और स्टे में क्या करेगा, ठीक है, अगर वो राइज करता है, प्राइस को अगर कम करता है तो भी उसके सामने सिचुएशन सोचने की है कि वो भैया इंट्री करे, ठीक है, कि मार्केट में आउट रहे, ठीक है, वो मार्केट से आउट रहे या एंट्री करे, तो इसके सामने भी सिचुएशन दो आ गई। तो लेकिन ये क्लास देखो बेसिकली इसको एक, ये तो साइमल्टेनियस मूव है, इसको एक साथ सोचना पड़ रहा है, और ये पहले चाल चल देगा तो इसको एक साथ डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी उसका पे ऑफ, सपोज दैट गिवन है 2, 0, 2, 0 एंड 1, 0, 2, 0, 2, 1 और 0, 0, ठीक है क्लास, ये गिवन है, मान के चलो आपको पे ऑफ गिवन है। तो अब देखो क्या करना है, ध्यान से बनाए, ये जो पहला है फर्स्ट जो है ये किसका पे ऑफ है, फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ होता है, और ये सेकंड होता है वो क्या होता है, सेकंड प्लेयर का पे ऑफ है। तो ये इसको हम ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये ए का पे ऑफ हो गया, ये बी का हो गया, ए का हो गया, ये बी का हो गया, आपको ऐसे समझना क्लास, ए और बी का हो गया, ठीक है, पे ऑफ हो गए। और क्या बताना आपको, अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे क्लास, जहाँ से गेम फिनिश हो जा रही है, जहाँ से पे ऑफ आ जा रहा है, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल नोड। क्या बोलते हैं क्लास, इस टर्म को बोलते हैं टर्मिनल नोड, ठीक है, टर्मिनल नोड। बात क्लियर हुई, मैं कहना चाहता हूँ कि इन पॉइंटों को टर्मिनल नोड बोलते हैं, इस पॉइंट को सेंक नोड बोलते हैं, और इसको आप पे ऑफ बोलते हैं। पे ऑफ में जो फर्स्ट होता है वो प्लेयर ए का होता है, सेकंड जो होता है प्लेयर 2 का होता है, ठीक है। और एक चीज़ बताना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास, ठीक है, वो ये है एक चीज़ बताओ, इन्फॉर्मेशन सेट क्या होती है क्लास, तो इन्फॉर्मेशन सेट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन सेट है कि प्लेयर फर्स्ट के पास दो स्ट्रेटजी है, प्लेयर फर्स्ट के पास 2 स्ट्रेटजी है। तो इसका मतलब होता है कि हम इससे बोलेंगे क्लास कि डिसीजन नोट्स ऑफ, इसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन सेट प्लेयर 1, इन्फॉर्मेशन सेट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेट प्लेयर 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन सेट हमारे पास है कि मान चलो कि A1 है, ठीक है, A1 है, प्लेयर 1 है, तो इसके पास इन्फॉर्मेशन है L और R, तो L और R क्या हो गया, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन सेट हो गया क्लास, इसको समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये, इसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन सेट B, तो इसका इन्फॉर्मेशन सेट L R, या बोलेंगे प्राइस इंक्रीज कर रहा है या प्राइस डिक्रीज कर रहा है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ तो ये क्या करेगा, स्टे या आउट, हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन सेट है कि वो भैया स्टे करेगा कि आउट करेगा, इन्फॉर्मेशन सेट 2 का हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेट
एंड सेकंड प्लेयर। ओके, तो ये हो गया क्लास, दो चीज़ें बता दी आपको। तो आपको यहाँ पर मैं एक बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको कि नोट्स क्या होते हैं भैया, इन्फॉर्मेशन सेट क्या होता है, टर्मिनल नोट क्या होते हैं, मेन नोट्स क्या होते हैं, पे ऑफ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दिया हूँ कि अगर मान चलो कि थ्री प्लेयर होते, क्या होता क्लास, थ्री प्लेयर होता, तो थ्री प्लेयर होता तो कहाँ से होता, मान चलो कि अगर यहाँ पर पे ऑफ नहीं होता, यहाँ पर पे ऑफ नहीं होता तो क्या होगा, अगर एक पर्सन और आ जाएगा तो वो प्लेयर थ्री का जो है डिसीजन नोट्स और उसका भी इंफॉर्मेशन सेट आ जाएगा क्लास। तो इससे बोलते हैं एक्सटेंसिव गेम प्रॉप्स। एक्सटेंसिव गेम क्यों हुई, क्योंकि फर्स्ट प्लेयर की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये शेयर सेकंड प्लेयर अपना डिसीजन ले रहा है, ठीक है। इसलिए पता है कि अगर ये आर एल चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करें तो कहो तो सॉल्व करके दिखा दें, हालांकि हम इसको सॉल्व करने का तरीका बाद में बताएंगे। इसको सब गेम बोलते हैं, हाउ मेनी सब गेम, वन सब गेम एंड सेकंड सब गेम। तो आपको पहले ये थर्ड पूरी गेम में दो सब गेम बनती है और एक बड़ी सी गेम बन रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्लास, तो नेस इक्विलिब्रियम आपको निकालना आता ही है, कैसे करेंगे देख लीजिए। अब इसे निकाल देता हूँ, नेस इक्विलिब्रियम क्या निकलेगा बताइए, कोई बता सकता है। देखो अगर वो यल चाल चलता है, अगर इसको आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाएंगे बेटा जी, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में आपका ऐसे बनेगा कि उसके पास दो स्ट्रेटजी है, यल और आर, ओके, फर्म ए के पास और फर्म बी के पास इंट्री और स्टे आउट, वो आउट है या इसको लिखेंगे आउट, अब बाहर रहेगा, उसके पास दो स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर वो यल अडॉप्ट करता है, यल अडॉप्ट करता है क्लास, यल के साथ अगर इंट्री करता है तो मिलेगा थ्री वन मिलेगा और थ्री एन वन, और यल के साथ, और यल के साथ थ्री एन आउट, और अगर अगर वो आउट होता है तो वन और थ्री मिलेगा, ओके। और अगर वो आर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, फर्म ए अपनी आर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो क्या मिल रहा है, इंट्री के साथ टू एंड वन मिल रहा है और जीरो एंड ज़ीरो मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्या बन जाएगा प्लस, ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस पे ऑफ मैट्रिक्स को हमने क्या एक्सटेंसिव फॉर्म में दिखा दिया, लेकिन अगर एक साथ नहीं चाल चल रहा है, यहाँ पर अलग अलग टाइम पे चाल चल रहा है, ठीक है। सो हाउ वी कैन फाइंड द नेस इक्विलिब्रियम बता दीजिए क्लास, अगर यल चाल चलता है तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी कि यल अपनी चाल चल रहा है ए, तो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी प्लेयर बी के लिए क्या करेगा, वो आउट एंट्री, आउट बिकॉज थ्रीज इसको आ रहा है, थ्रीज प्रॉफिट हो रहा है, मतलब तो फिर मतलब आउट होने में फ़ायदा है, ठीक है, ओके। क्योंकि इसको थ्री है वन है तो हम पे आप देखो इसको मत समझना, ये हमने एग्जांपल ऐसा लिया हुआ है कि आप ऐसा समझना कि ठीक है बेसिकली हम स्टडी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पे ऑफ है वो थ्री है और वन है तो थ्री है, इसका मतलब वो आउट रहेगा, ठीक है। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, इंट्री गेज ना करके कुछ और ले लीजिए आप, ठीक है, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर क्लास ए फर्म अपनी चाल चलता है आर, तो क्या करेगा ये फिर बेटर रहेगा कि वो एंट्री करेगा, तो ये देखो इसका ये मिल गया, तो फर्म ए के चलने पर ये थ्री यूज़ करेगा और एल को चलने पे थ्री और आर को ए को चलने पर वो एंट्री करेगा, मतलब एक यूज़ करेगा। अब बी के सामने देखो क्लास, अगर ये एंट्री करता है तो फर्म ए कौन सी चाल चलेगी, फर्म ए जो है ये चलेगी, फर्म ए चलेगी क्योंकि यहाँ से टू इज़ ग्रेटर देन थ्री, थ्री इज़ ग्रेटर देन टू, तो फर्म ए चलेगी। और अगर ये आउट करता है, आउट करता है तब भी फर्म कौन सी चाल चलेगी, फर्म ए चलेगी, फर्म क्या चलेगी, ए चाल चलेगी, इन दोनों में से बेटर है। तो यहाँ पर नेस इक्विलिब्रियम क्या बना क्लास, दोनों का अंडरलाइन मेथड से यहाँ पर नेस इक्विलिब्रियम ये बना कि फर्म जो है हमेशा वो यल को चाल चलेगी और दूसरी फर्म को क्या करेगी, आउट करेगी, ठीक है। तो दिस इज द नेस इक्विलिब्रियम एक्सटेंसिव गेम।